वेलकम टू कम बैक और यूट्यूब चैनल, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर वन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू रिक्रूटमेंट लेकर के आ चुका हूं, जो कि है छावनी परिषद जबलपुर के द्वारा आयोजित की जाने वाली न्यू रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा बता दूं कि जो छावनी परिषद है, इसकी जो वैकेंसी है वो बहुत अच्छी वैकेंसी एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसके लिए आप सभी को आवेदन करना है और इसमें जल्द से जल्द जॉब आप लोगों को मिल जाएगी। फरवरी में आप सभी लोग जो इसमें अप्लाई करोगे उनको जॉब मिलने वाली है। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। छावनी परिषद जबलपुर निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने हेतु उन भारतीय नागरिकों से जो निम्न अपेक्षित अर्हताओं को पूरा करते हों से सीधे ऑनलाइन आवेदन एमपी ऑनलाइन की दर्शित साइट जो है वो है www.mponline.gov.in के माध्यम से आप लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों के लिए विभिन्न पोस्टों पर विभिन्न वैकेंसियां निकाली गई है। इसमें आप लोगों की जो पहली पोस्ट है वो है आप लोगों की सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट। ठीक है, इसमें आप लोगों का जो वेतन है वो लेवल 7 के अनुसार 28,700 से 91,300 आप लोगों का बेसिक पे इसमें रहने वाला है। इसके लिए आप लोगों की टोटल दो वैकेंसी हैं, एक वैकेंसी जनरल के लिए और एक वैकेंसी एसटी के लिए। इसके लिए आप लोगों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों के पास में बीएससी आप लोगों ने की हुई है और साथ में सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा आपके पास में है, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट इसमें आप लोगों की है जूनियर क्लर्क के लिए। जूनियर क्लर्क में आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो लेवल 6 के अनुसार 25,300 से 80,500 के आपकी बेसिक सैलरी है। बाकी इनकी जो सैलरी है सभी पोस्टों की टोटल कितनी मिलती है, सभी जो एचआरए डीए टीए आदि जोड़ करके कट पिट करके आप लोगों के अकाउंट में कितनी क्या सैलरी आती है वो मैं सभी पोस्टों के बारे में अलग अलग वीडियो आप लोगों को कंटेनमेंट बोर्ड में जितनी भी पोस्टें हैं उन सभी की अलग अलग पोस्टों के बारे में आप लोगों को अलग अलग वीडियो बना करके प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को भी ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाले इसी प्रकार के अन्य रिक्रूटमेंट से संबंधित जो भी वीडियो है वो तुरंत आप लोगों को प्रोवाइड हो जाए। और स्पेशली कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हैं या कैंटोनमेंट बोर्ड से संबंधित कोई भी जानकारी है, मेरे से अच्छा आप लोगों को कोई भी प्रोवाइड नहीं करवा सकता है। ठीक है, तो इसी चैनल पर आप लोगों को कैंटोनमेंट बोर्ड से संबंधित सबसे बेस्ट जानकारी दी जाएगी। अब जूनियर कलर के लिए आप लोगों की जो एजुकेशन है, आप लोग 12th क्लास से अगर किसी भी स्ट्रीम से आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से अगर आप पास आउट हो 12th क्लास तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो। साथ में आप लोगों के पास टाइपिंग स्पीड जो आप लोगों की है वो इंग्लिश में आप लोगों की 35 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है। तो और अगर आप लोग हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों की 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी हिंदी में जो टाइपिंग होगी वो कुर्तिदेव पॉइंट पर इसमें आयोजित की जाती है। तीसरी वैकेंसी जो इसमें है उसमें कुल मिलाकर के अच्छी वैकेंसियां आप लोगों के लिए रखी गई हैं असिस्टेंट टीचर के लिए। इसमें जो आपका सैलरी का स्ट्रक्चर है वो आपको लेवल 6 के अनुसार 25,500 से 80,500 रुपए के मध्य आप लोगों की बेसिक सैलरी इसमें बनती है। इसमें आप लोगों की टोटल 5 पोस्टें हैं, 3 पोस्ट आप लोगों की जनरल के लिए है, 1 पोस्ट आपकी एससी के लिए है, 1 पोस्ट आपकी एसटी के लिए इसमें रखी गई है। इसी प्रकार से और इसमें जो आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप लोग ग्रेजुएशन हो और साथ में आप लोगों के पास में बीएड है, बीएड आप लोगों ने कर रखी है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी असिस्टेंट टीचर का क्या काम होता है इन सभी के बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन के लिए लेवल 6 के अनुसार आपका वेतन मिलता है। 1 पोस्ट इसमें रखी गई है जो कि जनरल के लिए रखी गई है। आप लोगों के पास 12वीं पास आप लोग हो और साथ में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से कर रखे हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से पाइप फिटर के लिए 1 सीट रखी गई है जो कि जनरल के लिए रिजर्व है। 12th पास आप लोग हो और साथ में आपके पास में आईटीआई से फ्यूटर ट्रेड से अगर आप लोगों ने
डिप्लोमा कर रखा है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकती हो। मोटर पंप अटेंडेंट के लिए भी आप लोगों के एक वैकेंसी रखी गई है, और ये जो एक वैकेंसी है वो जनरल के लिए रिजर्व है। 12th पास अगर आप लोग हो, आईटीआई आप लोगों ने कर रखी है इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से चौकीदार पियोन, माली, आया, सफाई वाला, ये जो टोटल 5 वैकेंसियां आप लोगों के लिए आई हैं, इन 5 वैकेंसियों का जो स्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर, वो लेवल 1 के आधार पर आप लोगों को दिया जाएगा, यानी कि 15,500 से 49,000 आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। बाकी इस सैलरी के बारे में चारों पोस्टों के लिए अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इसमें आपकी चौकीदार के लिए एक वैकेंसी है जो कि एसटी के लिए रिजर्व है, पीओन के लिए एक वैकेंसी है जो कि एसटी के लिए रिजर्व है, माली के लिए टोटल इसमें 2 वैकेंसी है जो कि एक जनरल और एक एसटी के लिए रिजर्व है, और आया के लिए एक वैकेंसी है जो कि जनरल के लिए है। सफाई वाला की टोटल इसमें 32 वैकेंसियां हैं, 13 वैकेंसी जनरल के लिए है, 11 वैकेंसी एसटी के लिए है, 5 वैकेंसी इसमें आप लोगों की ओबीसी के लिए है, 3 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें रिजर्व है। और इन 5 पोस्ट के लिए अगर आप लोग 8वीं क्लास पास हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 8वीं पास के लिए अब बहुत कम जॉब आती है, लेकिन ये 8वीं क्लास पास के लिए आप लोगों के लिए जॉब रखी गई है। बाकी इसमें आप लोगों की जो एज है वो 21 से 30 वर्ष, अगर आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस से हो तो आवेदन कर सकते हो। ओबीसी से आप लोगों को 3 वर्ष का रिलेक्सेशन देखने को मिल रहा है, 33 साल तक अगर आप लोगों की एज है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एससी एसटी को इसमें 5 साल का रिलेक्सेशन दिया गया है, यानी कि अगर आप लोगों की एज 35 वर्ष है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट हैं जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, उनकी 40 एज रखी गई है, और बाकी जो ओबीसी से है उनकी 43 है, और एससी एसटी से जो है उनकी 45 इसमें रखी गई है। अब इसमें बोला गया है कि छावनी बोर्ड के अंदर जो कर्मचारियों को वेतन और भत्ते मिलते हैं वो सभी आप लोगों के लिए लागू होंगे, सभी आप लोगों को भी इसमें दिए जाएंगे जो कि केंद्र सरकार के अधीन होता है, वो सभी आप लोगों को दिए जानी है। और मोस्ट बात इसमें यह है कि इसका जो 2 वर्ष का परिवीक्षा काल है, इसमें कैंडिडेट बोलते हैं कि सर क्या हमें 2 वर्ष के लिए ही इसमें रखा जाएगा, तो आप लोगों को बता दूं कि परिवीक्षा का अर्थ होता है कि आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में 2 साल तक इसमें रखे जाएंगे, 2 साल बाद में आप लोगों को वहां पर परमानेंटली कर दिया जाएगा। आप लोगों की ट्रेनिंग पीरियड ये 2 वर्ष की इसमें रखी गई है। अब आप लोगों की जो एज है वो 8 जनवरी 2023 को काउंट की जाएगी, यानी कि 8 जनवरी 2023 को अगर आप लोग जनरल से हो तो 21 से 30 वर्ष के मध्य हो तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसी प्रकार से ओबीसी के लिए 33 तक, एसटी के लिए 35 तक, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताया गया कि इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 19 दिसंबर 2022 यानी कि कल से आप लोगों के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे, और 8 जनवरी 2023 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की साइट है वो है www.mponline.gov.in के माध्यम से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, और इसमें आप लोग अपनी न्यूनतम योग्यता दर्शाएं, अन्य कोई भी अगर आप लोग इसमें गलती करते हो तो आपका फॉर्म है जो रिजेक्ट हो जाएगा। अब आती है फीस की बात, सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं उनके लिए 200 रुपए तो पोर्टल शुल्क रखा गया है, साथ में मैं जीएसटी तथा 800 रुपए अदर फीस इसमें रखी गई है, यानी कि सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए इसमें टोटल 1,000 रुपए आप लोगों को पे करने होंगे अगर आप लोग इसके लिए आवेदन करते हो तो। नेक्स्ट पोस्ट जो एससी एसटी के लिए है उनको केवल और केवल पोर्टल शुल्क यानी कि 200 रुपए ही देने होंगे एससी एसटी के कैंडिडेट्स को, ठीक है। अब इसमें आप लोगों की जो परीक्षा है वो परीक्षा के लिए भी इन्होंने पहले ही फिक्स कर दिया है कि असिस्टेंट टीचर की आप लोगों की जो एग्जाम है वो 29 जनवरी 2023 को आयोजित की जाएगी, जूनियर कलर्क का आप लोगों का जो पेपर है वो 5 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, और सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो पेपर है आप लोगों का 12 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिटर, आया और मोटर पंप ऑपरेटर का, अटेंडेंट का जो पेपर है आप लोगों का वो 26 फरवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा, चौकीदार और माली की जो पोस्ट है उसका जो एग्जाम है वो 19 फरवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा, और इनका जो रिजल्ट है वो जो जिस दिन एग्जाम लगता है उसके दूसरे दिन ही रिजल्ट जारी कर देते थे अब से पहले, तो अब अगर ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो वो 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का रिजल्ट जारी कर देंगे, क्योंकि अब थोड़ी सी
भीड़ एक तरीके से ज्यादा हो गई है तो शायद इनको 10 दिन तक का टाइम लग सकता है, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का रिजल्ट ये जारी कर देंगे। रही अब इसमें एक पोस्ट सफाई वाला की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट वैकेंसी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है, उसका जो एग्जाम है वो आप लोग आवेदन करोगे तो आपके जब आवेदन आएंगे उनको देखा जाएगा कि कितने आप लोग आवेदन करते हो, उन आवेदन को देख करके उसके बाद में डिसीजन लिया जाएगा कि आप लोगों का जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ क्या रखना है, वो सभी इसके अंदर देखा जाएगा। फिर बाद में आप लोगों को सूचित अलग से किया जाएगा कि आप लोगों का एग्जाम कब रहने वाला है, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन कर दीजिए, कोई भी आवेदन करते समय गलती नहीं कीजिएगा, और ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को जल्द से जल्द जॉब पाने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इससे बढ़िया और कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसके अंदर अगर कुछ भी परिवर्तन होता है परीक्षा डेट आदि के, तो उसमें केवल और केवल अधिकारी जो होते हैं मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद जबलपुर, उनके द्वारा अगर कोई निर्णय लिया जाता है वो ही इसमें डेट आदि की चेंजेज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी इसमें चेंजेज नहीं कर सकता है। सभी के लिए जितने भी पोस्ट हैं उन सभी के लिए आपको 100 नंबर का पेपर होगा और 120 मिनट आप लोगों को मिलेंगी, यानी कि पूरे 2 घंटे का टाइम आप लोगों को मिलने वाला है। सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है इसमें टोटल आप लोगों के 5 चैप्टर होंगे, जीआई, जीए, मैथ और इंग्लिश कंप्रेशन, और आपका जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा आप लोगों ने किया है उससे संबंधित क्वेश्चन, सभी चैप्टर से आप लोगों के 20-20 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 20-20 नंबर्स के होने वाले हैं। इस प्रकार से टोटल आप लोगों के 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। इसी प्रकार से जूनियर क्लर्क के लिए सभी पार्ट के 25-25 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जीआई, जीए, मैथ और इंग्लिश से 25-25 क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आप लोगों को आएंगे। इसके बाद आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट आयोजित की जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से असिस्टेंट टीचर के लिए 4 इसमें पार्ट रखे गए हैं, चारों पार्ट से आप लोगों के 25-25 नंबर के आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ठीक है। आप सभी पोस्टों के लिए जो भी पोस्ट हैं इसमें 25-25 नंबर का सिस्टम रखा गया है, जीआई, जीए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रेशन। अब बाकी जो आईटीआई से जो पोस्ट हैं इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिटर और तीसरी पोस्ट आपकी मोटर पंप अटेंडेंट, इन तीनों पोस्ट के लिए जो आप लोगों का सिलेबस है उसमें 20-20 क्वेश्चन तो आप लोगों के जीआई, जीए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रेशन के लिए जाएंगे, बाकी आपका 20 नंबर का जो सिलेबस है वो आईटीआई से संबंधित इसमें लिया जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों के जो नेक्स्ट पोस्ट आती हैं 5 पोस्ट है, चौकीदार, पियोन, माली, आया और सफाई कर्मचारी, इन 5 पोस्ट के लिए जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस आप लोगों का रखा गया है, जीआई यानी कि रीजनिंग, जीए, जीके, मैथ और इंग्लिश, चारों के चारों पार्ट से आप लोगों को 25-25 नंबर का सिलेबस पूछा जाएगा, ठीक है। 25-25 नंबर के क्वेश्चन चारों में आएंगे आप लोगों की, और इसमें आप लोगों का फिर बाद में स्किल टेस्ट होगा और आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो केवल और केवल जो आपका एग्जाम होगा उसी के आधार पर बनाई जाएगी। स्किल टेस्ट में केवल और केवल आपको पास होना है। इसमें बताया गया कि अगर एक ही नंबर यानी कि जैसे कि सेम नंबर किसी के आते हैं तो जो उम्र में बड़ा होगा उस कैंडिडेट को इसमें लिया जाएगा, बाकी सारा जो छावनी बोर्ड है उसके आधार पर इसमें किया जाएगा आगे का जो भी कार्यक्रम है, ठीक। और इसमें ऐसी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं, बाकी जो भी थी मैंने दे दी है, और अन्य जो भी न्यूज आप लोगों के लिए आएगी वो मैं जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसके अंदर आप लोग देख सकते हो मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद जबलपुर के जो हैं वो अभिमन्यु सिंह, जो कि IDEAS हैं। तो जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन कर दीजिए और तीसरे महीने में यानी कि मार्च में इसमें आप लोगों को जॉब देखने को मिल जाएगी। मार्च में आप लोग ड्यूटी ज्वाइन कर लोगे अगर इसके लिए आवेदन करते हो तो, और इसमें कॉम्पिटिशन भी लो होता है, पेपर भी बिल्कुल सीधा आता है। मैंने पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखा है जूनियर क्लर्क का, बाकी और पोस्ट के लिए भी पेपर मैं जल्द ही डाल दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ में, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।